आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय की बड़ी खबर जम्मू के बीसी रोड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस इस समय मौके पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय मौके पर मौजूद है, SHO बस स्टैंड इस समय मौके पर मौजूद है। किस प्रकार से सड़क हादसा पेश आया है फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, कैसे ये सड़क हादसा हुआ? जी मैम, अभी यहाँ पे टेम्पो वाला एक आया, उसको हिट किया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। आया कहाँ से ये बंदा? यहाँ पे पैसेंजर चल रहा था बीसी रोड, टेम्पो वाला ऐसा लग रहा था कि रियासी कटरा वाली साइड का था। अच्छा। और ऐसी मतलब अच्छी स्पीड में गया यहाँ से और बंदे को हिट किया और ऑन द स्पॉट जो है बंदे की डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट उसका। ये हाँ हाँ पैदल चल रहे थे वो, यहाँ पे बिल्कुल रोड के साइड में चल, टेम्पो हाँ बिल्कुल स्पीड में थे। जब वो हिट हुआ, वो आके यहाँ पे बंदा गिरा, उधर से आके इधर गिरा, तो उसके बाद उसके पीछे वाला टायर चढ़ गया और ये खोपड़ी पूरी बेचारे की खत्म हो गई और ऑन द स्पॉट उसी टाइम डेथ हो गई। उसकी लगभग यही है 50-55 के करीब होगी। नाम शाम पता लगा नहीं? नाम शाम वो बिल्कुल SHO साहब ने नोट किया है। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है, जो स्थानीय निवासी है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहां पर टेम्पो ट्रेवलर है जो कि स्पीड में था, जो स्थानीय निवासी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो स्पीड में थे और स्पीड में यहाँ पर व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद हुसैन है, 70 साल उनकी उम्र, हीरानगर के वो रहने वाले हैं, शोपिया वो काम से गए थे, जहाँ पर टेम्पो जो है वो उन्हें हिट करता है और उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये सड़क हादसा जो है वो पेश है। आप देखिए सड़क को इस समय जो है वो पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से ये सड़क हादसा देखने को मिला है। हीरानगर का मोहम्मद हुसैन रहने वाला है। फिलहाल आप देखिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है, बस स्टैंड SHO यहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन देखिए किस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है। बेहद ही दुखद समाचार है, लगातार इस प्रकार के सड़क हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। और इस इलाके की बात करें तो इलाका जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ ये इलाका है और यातायात जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और देखिए ये सड़क हादसा जो है बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मोहम्मद हुसैन जिनकी मौत हो गई है, टेम्पो उन्हें हिट करता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां पर जिस प्रकार से यानी कि वो शोपियां से आए थे और टेम्पो ट्रैवलर जो कि स्पीड में था और उन्हें हिट करता है। नंबर सेंड करनी चाहिए अपन, टिकट निकाल के कटाई देना, नंबर कटाई देना। आपको पता चल क्या है कि आखिरकार वो टेम्पो यहां बीच करके भागा है, उस टेम्पो पर लगा पता से टेम्पो ट्रैवलिंग का पता चला जी, ढूंढ रहे हैं हम, जल्दी पकड़ लेंगे उसको। नाम तो नहीं, नाम भी अननोन है नाम। तो स्थानीय निवासियों का कहना है काफी ज्यादा स्पीड में थे वो। हां नहीं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो देख लेंगे हम। देखिए इस समय टेम्पो ट्रैवलर को पूरी तरीके से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति मोहम्मद हुसैन जिनकी उम्र 70 साल है और वो सड़क हादसे का शिकार हुए हैं, उनकी मौत हो गई है, शोपियां से आ रहे थे, हीरानगर उनका घर है, 70 साल के मोहम्मद हुसैन, ये और जगह है। देखिए यहाँ पर इस समय सड़क को जो है वो पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। ये आप साफ तौर पर तस्वीर देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। इस समय सड़क को जो है वो क्लियर किया जा रहा है। यह तस्वीरें आप देखिए कि पूरी तरीके से सड़क को जो है वो इस समय क्लियर किया जा रहा है। पानी यहाँ पे डाला जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सड़क हादसा पेश आया है बेहद ही दुखद है। और देखिए इस समय पूरी तरीके से सड़क को जो है वो क्लियर किया जा रहा है। फिलहाल टेम्पो ट्रैवलर को ढूंढने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, टेम्पो ट्रैवलर को इस समय जो है वो ढूंढा जा रहा है।
नाम का कुछ भी अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बेहद ही दुखद समाचार है। जम्मू के बीसी रोड से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सड़क हादसा हुआ है, और यही वो जगह है जहां पर सड़क हादसा पेश आया है। टेम्पो ट्रैवलर हिट करता है और शोपियां से वो मोहम्मद हुसैन आ रहे थे, और देखिये यही वो जगह है, यही जहां पर ये सड़क हादसा पेश आया है। मोहम्मद हुसैन, उनकी मौत हो गई है। फिलहाल आप देखिए आसपास एक भीड़ जो है वो जमा हो चुकी है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, एसएचओ बस स्टैंड मौजूद है। टेम्पो ट्रैवलर को ढूंढने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आपसे अपील है, आपसे हादसा होता है तो आप रुक जाइए। नंबर सब पता लगा, हाँ वो दे रहे हैं अभी, हम नंबर वो कर रहे हैं, वो चेक करके अभी नंबर दे देंगे आपको। जो व्यक्ति की जान गई है उसकी उम्र कितनी होगी? 40 तक होगी। 40 तक होगा? 40 तक है। 40 तक होगी जी। दो इंसान थे, एक निकल गया था। हीरा नगर कपूरवा वाले पोशाक से जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा कुछ जिंदाबाद है, जरूर एक सेकंड आ जाना। आप मौके पर थे जब एक्सीडेंट? नहीं, मैं अंदर ऑफिस में था। क्या? नहीं, अभी फुटेज में ये दिख पा रहा है कि गाड़ी क्रॉस करके निकली और आगे थार आ गई है उसके, ना तो उसकी वजह से विजिबल नहीं है वो, फिर सर देखेंगे कैसे करना। और क्या फुटेज में दिख रहा है, क्या वो स्पीड में पहले पर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? वो सर नीचे कह सकते हुआ था एक, तो जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो इन्होंने फुटेज बनाए थे, डिवाइडर्स बनाए थे फुटेज में। और क्या दिख रहा है कि स्पीड में टेम्पो स्पीड में था सर? तो ये तो क्रॉसिंग की वजह से है कुछ, यहाँ पे यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं सीधे दूसरी सड़क जाने के लिए, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई है। वो बताया जा रहा है स्पीड बेहद ज्यादा थी। हाँ, टेम्पो की स्पीड। फुटेज में ये क्लियर हो पा रहा है कि स्पीड ज्यादा थी? मैम फुटेज में तो दिखाई दे रहा है कि थोड़ी टेम्पो तेजी था। अब आगे पता चलेगा, प्रशासन देखेगा, साहब देखेंगे कैसे है, क्या चीज हुई थी। सर 40 ईयर्स आई थिंक कह सकता हूँ मैं। दो थे, वो एक बुजुर्ग भी था उनके साथ। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये मेरे ख्याल से डोडा साइड के थे, पहाड़ी इलाके के थे, तो रोड क्रॉस कर रहे थे। कितने व्यक्ति और थे? एक और था उनके साथ, वो यहाँ पे ही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, दो व्यक्ति थे, एक को ऑन स्पॉट ही हो गई थी, वो पीछे हो गया था, तो दूसरा ठीक आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, यहाँ भी थे वो। वो बॉडी के साथ गया मेरे ख्याल से, बॉडी के साथ उनको भेज दिया गया। कौन नहीं, टेम्पो के साथ ही निकल गया। देखिए फिलहाल पूरी तरीके से ढूंढने के यहाँ पर जो है वो प्रयास किया जा रहा है। एसएचओ बस स्टैंड मौके पर मौजूद है, पूरी तरीके से उस टेम्पो ट्रैवलर को ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जिसने हिट किया है। क्योंकि देखिए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई है, मोहम्मद हुसैन उसका नाम है। और देखिये इस समय एक अफरा तफरी जो है वो समय देखने को मिल रही है, भीड़ इस समय जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि सड़क हादसा, आपको बता दें कि जम्मू के बीसी रोड में ये सड़क हादसा पेश आया है, और यहाँ पर काफी ज्यादा यातायात जो है वो देखने को मिलती है, भीड़ यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा होती है। और देखिए इस समय पूरी तरीके से ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। फुटेज को जो है वो खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, और पूरी तरीके से
सीसीटीवी फुटेज को यहाँ पर पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है और ये पता लगा रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि टेम्पो ट्रेवलर कौन था। फिलहाल उसका कोई भी जानकारी सामने नहीं है, नाम क्या कुछ है, लेकिन फुटेज में ये साफ तौर पर क्लियर हो रहा है कि जिस प्रकार से उन व्यक्ति ने कहा कि फुटेज में दिख रहा है कि टेम्पो जो है वो काफी ज्यादा स्पीड में था, उन्होंने हिट किया मोहम्मद हुसैन को। फिलहाल एज की बात करें तो जिस प्रकार से बता रहे हैं 70 साल के हैं, कोई बता रहा है 40 साल का है, लेकिन फिलहाल इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी पुष्ट यानी कि स्पष्ट जानकारी नहीं है कि 70 साल के हैं या फिर 40 साल के हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन की इस सड़क हादसे में जान जा चुकी है। मोहम्मद हुसैन ने अपनी जान गंवा दी इस सड़क हादसे में, बेहद ही दुखद है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर आत्मा की शांति के लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। कैमरा पोजिशन भी था के साथ शिल्पी शर्मा जम्मू।